हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हम बात करने वाले गोदरेज इंडस्ट्री एलटीडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ, साथ में आपको ये बताऊँगी इस कंपनी का शेयर कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट बनानी है, कितना क्या टारगेट रखना है, कितना सपोर्ट लेना है, कितना रेजिस्टेंस लेवल लेना है, सारी चीज़ों के बात करेंगे इसकी वीडियो में। सो गाइस, बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे गोदरेज इंडस्ट्री एलटीडी कंपनी की बात की जाए, स्टॉक का अगर आप पे क्लोजिंग देखे तो हुआ है 476.45 पे क्लोजिंग है। स्टॉक ने 0.43% का मोमेंटम दिया आज के दिन, एंड यहाँ पे उन्होंने देखे 2.05 रुपीज का रिटर्न दिया है पर शेयर के पीछे। एंड आपको तो पता है गोदरेज इंडस्ट्री का अगर आप लॉट साइज देखे तो 1000 का इसका लॉट साइज है। लगभग अगर आप 5 रुपये पकड़े, 5 रुपये भी अगर आपको मिल जाता है एक लॉट के पीछे, लाइक आपको जो 5000 का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। सो काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। एंड यहाँ पे और देखिए, स्टॉक जब भी एक लाइक सपोर्ट बोल सकते हैं, स्टॉक जब भी एक सपोर्ट लेता है काफ़ी अच्छा मोमेंटम देता है। जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया वहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लेके ही लाइक अच्छा खासा इसे रिटर्न दिया ही है ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखें तो। बाकी स्टॉक की बात करें, स्टॉक जो है अगर आप देखें तो लास्ट वीक से ही मंडे से ही लगातार स्टॉक क्या नीचे गिरता आ रहा था। कुछ टाइम पे स्टॉक ने लाइक मोमेंटम दिया बट वापस आके गिर गया। सो पॉसिबिलिटी है कि अभी चांसेस है कि वहाँ से स्टॉक के लाइक एक सपोर्ट लेके अपसाइड जा सकता है। तो उसके लिए एक आपको एक लेवल दूंगी, एंट्री लेवल दूंगी जहाँ पे आपको शेयर्स का बाइंग करना है। वहाँ से अगर ये स्टॉक अब जाता है सो लाइक आप कर सकते हैं 70-80% वहाँ से अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो वहाँ से लाइक शेयर जो लगभग से लगभग पकड़ सकते हैं 2 से 3 रुपये का तो मोमेंटम देख ही देगा पर लॉट के पीछे अगर आप कॉल में बाइंग करते हैं तो। एंड अगर आपको पुट भी बाय करना रहेगा उसके लिए भी आपको लेवल दूंगी। अगर वहाँ से लाइक तोड़ता है लेवल, लाइक गैप डाउन हुआ अगर वहाँ से लेवल वो तोड़ता भी है तो वहाँ से पुट भी बाय कर सकते हो। तो दोनों के लिए ही आपको मैं लेवल दूंगी, साथ में आपको टारगेट ही बताऊंगी वीडियो में। तो चलिए हम आपको वो वीडियो का लाइक वीडियो ना ये शेयर का आपको मैं इसमें प्रॉपरली एंट्री प्लस टारगेट प्लस इसके रेजिस्टेंस एंड प्लस इसके सपोर्ट लेवल आपको दिखा देती हूँ। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। येस, आई थिंक सो आपको पूरा चार्ट पूरा विजिबल होगा। सो यहाँ पे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल दे यहाँ पे देखे, सो ये तो मैं हर एक वीडियो में यूज़ भी करती हूँ। एंड लाइक ऑलमोस्ट देखे तो ये जो है क्या 101% नहीं बोल सकती बट मैं बोलती हूँ 80-90% ये क्या वर्क करता है। यहाँ पे अगर आप देखें स्टॉक ने 0.68% का जो हमारा गोल्डन जोन देखे, जब भी इस जगह से सपोर्ट लिया है स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया। लगभग अगर आप पकड़ सके तो लगभग जो है लास्ट लास्ट भी देखे तो इसने क्या है 494 तक इसने क्या हाई मारा है लास्ट टाइम भी। एंड लगभग इस जगह से पकड़े तो यहाँ से भी स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लिया था। स्टॉक लगभग स्टॉक ने कितना 530 लाइक 525 का भी आप पकड़ सकते हैं वहाँ तक इसने क्या लिया है लेवल का, लाइक अच्छा खासा टारगेट भी अचीव हुआ था लास्ट टाइम भी। सो यहाँ पे अगर आप देखें स्टॉक एक ऐसे लेवल से जहाँ से लाइक अपसाइड जाने के चांसेस है, बिकॉज वही एक जो लेवल है लाइक सपोर्ट ले लेके स्टॉक अब गेन वापस से लाइक नीचे गिरा है, वहाँ से स्टॉक के सपोर्ट एक ले सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखें 476.45 पे क्लोजिंग हुआ है। आपको ये नहीं करना है 476 या फिर 77 पे लाइक खुला आपको बाइंग करना, ऐसा नहीं करना है। 480 का ही आपको एंट्री का फिक्स करके रखना है। 480 के अगर आसपास ये खुलता है या फिर वहाँ से अपसेट जाता है तभी आप एंट्री कीजिए। 488 का टारगेट रखिए, वहाँ तक वो हिट होगा ही होगा, नहीं भी हुआ तो लगभग 3 से 4 पॉइंट का आपको लाइक रिटर्न जितना दे देगा ये शेयर। तो ध्यान में रखिए आपको एंट्री करनी है कॉल अगर आप बाइंग करते तो। बाकी यहाँ पे गोदरेज इंडस्ट्री की बात करें, सपोर्ट कितना लेना, 471 का सपोर्ट लेना। भले ही यहाँ पे 476 का पे लाइक क्लोजिंग हुआ है, 474 भी लाइक वहाँ से भी नीचे भी खुल सकता है। सो ये नहीं कि आपको वहाँ से आपको लाइक पुट आपको बाइंग करें ना, ध्यान में रखें आपको एंट्री करनी है। सो हो सके तो पॉसिबिलिटी हो आपके सामने लाइक बोलते हैं एक पेशेंस लेवल हो तो उतना वेट कीजिए। 471 का लेवल आया तभी आपको पुट बाई करना है। सो ध्यान में रखें आपको कॉल एंड पुट आपको बाइंग करना है, एंट्री आपको करनी है थर्सडे के दिन के लिए। सो आई थिंक सो कुछ डाउट क्लियर हो गए। सो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।